available on iTunes. तो गाइस बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन और भाईजान का सुपरहिट गाना चुनरी चुनरी आप सभी को तो याद ही होगा। खूबसूरत लोकेशन ग्लैमरस अवतार में सुष्मिता सेन और डैशिंग सलमान खान ने इस गाने को हिट बना दिया था। आज सालों बाद भी बीवी नंबर वन का गाना चुनरी चुनरी लोगों की जुबान पर छाया रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये गाना शूट हो रहा था तब ठंड कंपा देने वाली थी और सुष्मिता सेन ने बिना गर्म कपड़ों के सिर्फ लहंगा चोली में गाना शूट किया था। वही सलमान खान कपड़ों से लदे हुए थे। सुष्मिता सेन ने पिंक विला को एक इंटरव्यू दिया था जहां एक्ट्रेस ने बीवी नंबर वन के गाने चुनरी चुनरी का एक किस्सा सुनाया था। सुष्मिता का कहना था कि अमेरिका में गाने की शूटिंग के दौरान हम ठंड से ठिठुर रहे थे। चुनरी चुनरी में सलमान खान ने पोलो नेक और फिर ब्लेजर पहना था। कई लेयरिंग और कपड़ों से लदे होने के बाद सलमान खान ने शूट किया था लेकिन वह सिर्फ लहंगा चोली में थी। ऐसे में बर्फीली हवाओं के बीच एक्ट्रेस की कंपकपी छूट गई थी और वह एकदम जम गई थी। सुष्मिता ने किस्सा बताते हुए साथ ही कहा था कि उन्हें पहली बार में चुनरी चुनरी गाना पसंद नहीं आया था। सुष्मिता ने अपने इंटरव्यू में बताया था जब बीवी नंबर वन का चुनरी चुनरी गाना उन्होंने पहली बार सुना तो उन्हें कुछ खास नहीं लगा था, पर बाद में वह गाने के लिए तैयार हो गई थी क्योंकि सलमान खान और डायरेक्टर डेविड धवन को विश्वास था कि यह गाना हिट होगा। दोस्तों सुष्मिता सेन के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस हाल ही में वेब सीरीज आर्या के सीजन 3 में नजर आई। वही सुष्मिता सेन का इस सॉन्ग पर खुलासा सुन कई फैंस ने सोशल मीडिया पर इस सॉन्ग के सीक्वल की मांग कर डाली है। वैसे देखा जाए तो इस यादगार सॉन्ग का खुलासा कर सुष्मिता जी ने फैंस को भाईजान के पुराने दिन याद दिला दिए हैं जब सल्लू भाई एक से बड़े हिट सॉन्ग रहे थे। वैसे दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि इस सॉन्ग का 2.0 वर्जन आना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डाई हार्ट फैन हैं तो ऐसे ही सलमान खान से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।